Hello everyone, वीडियो सीरीज ऑन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आरपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर्स में आप लोगों का वेलकम है। आज एपिसोड 18 में हम जिस सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे वो है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। हम इससे पहले 5 सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट है उनको डिस्कस कर चुके थे। लास्ट सब्जेक्ट हमारा सॉम था, ठीक है। उससे पहले सर्वे, FM, एनवायरमेंट और सॉइल, इन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार दिसंबर 19 में जो एग्ज़ाम हो रहा है आरपीएससी AEN का, उसमें आ सकते हैं, ठीक है ना। वो सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से लास्ट 2 सेशन यानी 2008 की बात करें हम और 2013 की बात करें तो आरपीएससी मेंस में एक बड़ा क्वेश्चन डेफिनेटली आया है, यानी 20 मार्क्स का क्वेश्चन 100% बना है, ठीक है ना। बट इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम क्या होती है, इनफैक्ट सारे स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट में प्रॉब्लम क्या होती है कि हमको ये नहीं पता होता कि इसमें से 2 और 5 नंबर के क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि 2 और 5 नंबर में छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट में एक्सपेक्टेड नहीं होते कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए मैं स्ट्रक्चर के जितने भी वीडियोज यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, चाहे भले से वो सॉम हो या टॉस हो या आगे RCC स्टील की भी बात करेंगे, उसमें 2 और 5 नंबर वेटेज के क्वेश्चंस को मैं ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ और ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आपको इससे पता लग सके कि 20 नंबर में फिक्स पैटर्न रहता है कि क्या चीज़ आ सकती है। जैसे हम इस सब्जेक्ट की बात करें तो आपको पता है या तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन या स्लोप डिफ्लेक्शन में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, या ILD के ऊपर कुछ आ जाएगा। लेकिन 2 और 5 में क्या आएगा वो हमको नहीं पता, तो इसलिए मैं इन सब्जेक्ट्स में 2 और 5 नंबर पर ज़्यादा फोकस करूँगा, ठीक है ना। सो एपिसोड 18 हम स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 18 में एक बार जो का कंटेंट है, ब्रीफ कंटेंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे या क्या क्या किस टॉपिक से रिलेटेड हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक तो है स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एनालिसिस ऑफ बीम बाय स्लोप डिफ्लेक्शन, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, अदर मेथड, ठीक है। अदर मेथड में कानी मेथड वगैरह भी है, लेकिन उसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। न्यूमेरिकल जो 20 नंबर का क्वेश्चन बनेगा वो स्लोप डिफ्लेक्शन या मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में से ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है मुलर ब्रेस्लो प्रिंसिपल ऑफ ILD एंड ट्रसेस, ठीक है ना। ये आपके सिलेबस में टॉपिक्स है वो नोटिफाइड है। मैट्रिक्स मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, उसके उसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है, इसलिए मैं उस टॉपिक को बिल्कुल भी यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। सो अभी हम एपिसोड 18 स्टार्ट करते हैं वही तीन कैटेगरीज में, 2, 5 एंड 20 में, जिसमें 2 और 5 के ऊपर हमारा स्पेशल वेटेज रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 मार्क्स वेटेज क्वेश्चन। 2 मार्क्स वेटेज क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग फिगर फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे रूरल सपोर्ट है, इसमें हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, DOF, यही बोलते हैं ना डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, बेसिकली दिस इज व्हाट इट इज अ वे दैट ए नोड या जॉइंट इज परमिटेड टू मूव ऑफ रोटेट, ठीक है ना। या तो वो मूवमेंट के लिए परमिटेड हो या रोटेशन के लिए परमिट हो। अब यहाँ पे रोलर सपोर्ट है तो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है और रोटेशन भी हो सकता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। सॉल्यूशन देखते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2, 1 फॉर रोटेशन, 1 फॉर डेल्टा एक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन मैकेनिज्म और अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। इफ एन इलास्टिक बॉडी हैज नो रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन देन इट इज रेफर्ड एज मैकेनिज्म या अनस्टेबल स्ट्रक्चर बोलते हैं। जहाँ पे बेसिकली डिफॉर्मेशन को लेके कोई रेजिस्टेंस नहीं है, दैट इलास्टिक बॉडी इज रेफर्ड एज मैकेनिज्म और अनस्टेबल स्ट्रक्चर। देखिए, छोटी छोटी डेफिनेशन आपको याद करके जानी है, ध्यान रख के जानी है, समझते हुए, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, इन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड हुज आर द अननोन वेरिएबल्स, बाय नोइंग दोज वैल्यू वी कैन गेट द फिक्स एंड मोमेंट्स, ठीक है ना। जिनकी वैल्यूज हमको पता हो तो हम फिक्स एंड मोमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे जो आसान आंसर है, आपको पता भी होगा क्योंकि हम इक्वेशंस में, स्लोप डिफ्लेक्शन की इक्वेशन में उस चीज़ को हम यूज़ करते हैं, तो जॉइंट रोटेशंस जो होते हैं बेसिकली वो अननोन मेंबर है, ठीक है। जिनकी वैल्यू हमको पता लग जाए तो हम फिक्स एंड मोमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, जॉइंट रोटेशन आर दी अननोन वैल्यूज, बाय गेटिंग दीज द फिक्स एंड मोमेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड। बिल्कुल स्पेसिफिक आंसर है जो कि 15 से 20 वर्ड में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पे बढ़ते हैं, 2 मार्क्स कैटेगरी में। देखिए, एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, द राइट एंड ऑफ ए फिक्स बीम AB, एक AB बीम है, डायग्राम नहीं दिया हुआ हमको, ठीक है, ये AB बीम है। राइट एंड ऑफ फिक्स बीम AB ऑफ लेंथ 10 मीटर की लेंथ है। ऑन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ थीटा एंड डाउनवर्ड सेटलमेंट ऑफ 2 डेल एट बी। यहाँ पे 2 डेल्टा का आपको सेटलमेंट है और जो थीटा है वो रोटेशन है यहाँ पे, ठीक है ना। जो फिक्स है वो कहाँ पे, ए एंड पे फिक्स है ये। ठीक है, राइट हैंड के ऊपर हमको दे दिया है थीटा और 2 डेल्टा, ठीक है। फ्लेक्सिबल रिजिडिटी बीम की ई आई दी हुई है हमको। कांस्टेंट एंड राइट द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन फॉर मोमेंट, एम ए बी हमको लिखना है, उसकी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन हमको यहाँ पे राइट करनी है, ठीक है। तो एम ए बी इक्वल टू हमको पता है 2EI/L। जिस जॉइंट पे हम बात कर रहे हैं एम ए बी निकाल रहे हैं, उसके ए पॉइंट के ऊपर ट्वाइस ऑफ थीटा ये लेते हैं, दूसरे पॉइंट पे थीटा बी लेते हैं, -3 टाइम्स ऑफ डिफ्लेक्शन अपॉन एल प्लस फिक्स एंड मोमेंट। सिंस कि ये ए एंड फिक्स है तो एफ एम एफ ए बी है फिक्स एंड मोमेंट, दिस इक्वल टू 0 हो जाएगा। एल आपको 10 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। थीटा ए सिंस कि ये फिक्स जॉइंट है तो इस यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। थीटा बी इक्वल टू, सिंस कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिया हुआ है तो -θB हो जाएगा, या -θ भी लिख सकते हैं। हमको थीटा दिया हुआ है तो इट इज इक्वल टू -θ, ठीक है। ये सारी वैल्यूज को हमने यहाँ पे रखा तो 2EI/L 0 -θB और थीटा भी बोल सकते हैं इसको -3, सिंस कि डेल्टा की वैल्यू जो देखिए 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा दे रखा है तो 2 डेल्टा/10 + 0, सारी वैल्यूज रखा हमारे पास ये आ गया, ठीक है। सो ये स्लोप डिफ्लेक्शन की इक्वेशन है। इस इक्वेशन के बहुत आसान है, आप आगे न्यूमेरिकल बड़े न्यूमेरिकल करेंगे तो ये इक्वेशन तो उसका एक पार्ट है जस्ट, बट इतना छोटा सा पार्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है 2 मार्क्स के वेटेज में, ठीक है। इसमें एक एंड फिक्स दे रखा है, दूसरा आपको फ्री दे रखा है, जिसके ऊपर सेटलमेंट हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द यूज ऑफ विलियट मोर्स डायग्राम, ठीक है। इट इज द ग्राफिकल मेथड टू कैलकुलेट डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रस जॉइंट्स। बस इतना ही लिख के आना है आपका एग्जाम में, इसके अलावा कुछ नहीं लिख के आना, ठीक है। ट्रस जॉइंट्स के ऊपर डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कैन बी रिटन फॉर द बीम शोन बिलो, ये बीम है, राइट डाउन दोज इक्वेशंस, ठीक है ना। कितनी इक्वेशन हम लिख सकते हैं, देखिए, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन शैल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट। अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट कौन कौन से, यहाँ पे बी है और सी है, ठीक। तो नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे कौन कौन सी इक्वेशन है वो, MBA + MBC = 0 इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर, एंड MCB = 0, ठीक है। ये 2 इक्वेशन है जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन दैट केस के अंदर, स्लोप डिफ्लेक्शन केस के अंदर, ठीक है ना। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने हमको ये भी पूछा है कि कितनी इक्वेशन लिख सकते हैं, हाउ मेनी इक्वेशंस, ठीक है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ये भी पूछा है कि वो इक्वेशन कौन कौन से है, तो हमको ये पूरा आंसर लिखना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। 2 इक्वेशन लिख सकते हैं, दोनों इक्वेशन ये है, क्यों है, क्योंकि अननोन जॉइंट्स यहाँ पे बी और सी है, जिसके ऊपर इक्विलिब्रियम इक्वेशन बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस, फोर्स मेथड एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है। हमको पता है ये बात। On basis of static and kinematic indeterminacy, how the suitability of these methods shall be ensured for a given frame, ठीक है। कि मतलब कौन सा मेथड किस चीज़ के लिए यूज होगा, डिस्प्लेसमेंट मेथड कहाँ यूज होगा एंड जो फोर्स मेथड है वो कहाँ पे यूज होगा, ठीक है। गिवन फ्रेम के लिए इफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी अगर ग्रेटर देन है काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी से, तो हम जो मेथड यूज होगा वो कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट मेथड। और अगर काइनेमेटिक इनडिटरमिनेट से ज़्यादा है स्टैटिक से तो फोर्स मेथड शैल बी यूज, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी, ठीक है। इन इनडिटरमिनेसी के बेसिस के ऊपर ही हमको ये फाइंड आउट करना है कि फोर्स मेथड कहाँ यूज होगा एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड कहाँ पे यूज होगा। तो अगर आपका ऐसा ही ग्रेटर देन है स्टैटिक इनडिटरमिनेसी काइनेटिक से, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज होगा। और अगर आपका ऐसा ही कम है यानी काइनेमेटिक ज़्यादा हो गया तो हमारे पास फोर्स मेथड यूज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 2 मार्क्स में, फाइंड द डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी फॉर द फॉलोइंग फ्रेम, ठीक है। ये एक कॉमन क्वेश्चन है, कई और एग्जाम्स में भी रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, बट ये एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमको स्टैटिक इनडिटरमिनेसी फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि इसका एक पार्ट जो क्वेश्चन का है वो फ्री कैंटिलीवर की तरह काम करता है, ठीक है ना। देखिए, कैंटिलीवर इज कंसिडर्ड एज अ मेंबर एंड फ्री एंड इज आल्सो कंसिडर्ड एज जॉइंट, ठीक है ना। एक पार्ट जो है बेसिकली वो कैंटिलीवर की तरह काम करेगा और उसी से हम यहाँ पे स्टैटिक इनडिटरमिनेसी को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। स्टैटिक इनडिटरमिनेसी का फॉर्मूला लिख दिया, M4 मेंबर्स हो गया। देखिए, यहाँ पे टोटल मेंबर आप काउंट कर लेंगे, आर ई आपको पता है कितनी है, 7 है, जॉइंट्स आपको पता है कितने हैं, -R'2 + 1, ठीक है ना। सो हमारे पास ये टोटल आ गया 36 प्लस 7 माइनस 33 माइनस 3 यानी 7 हमारे पास टोटल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी आ गया। इसी तरह का क्वेश्चन काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी के लिए भी पूछा जा सकता है, बट दिस क्वेश्चन इज मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसमें एक पार्ट कैंटिलीवर की तरह बिहेव कर रहा है जो कि एक मेंबर की तरह भी बिहेव करेगा और उसका फ्री एंड जो है जॉइंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन 9, हार्डी क्रॉस ड्राइव मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड फॉर एनालिसिस ऑफ विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाई दिस मेथड इज पॉपुलर। तो हार्डी क्रॉस ने जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड दिया था वो किस तरह के स्ट्रक्चर्स के लिए यूज होता है और वो क्यों पॉपुलर है दिस मेथड। ठीक है, इट इज अ मेथड नॉर्मली यूज फॉर एनालिसिस ऑफ इनडिटर्मिनेट बीम्स एंड रिजिड जॉइंटेड फ्रेम्स। ठीक है ना, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के लिए ये मेथड यूज होता है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। सिंस इट इज लेस टीडियस एंड इजी टू यूज कंपेयर टू अदर मेथड। अदर मेथड मतलब स्लोप डिफ्लेक्शन, कानी, कॉलम एनालॉगी, ठीक है, मैट्रिक्स मेथड, दैट इज व्हाई इट इज सो पॉपुलर। तो नॉर्मली हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं क्योंकि इसकी में कैलकुलेशन बहुत लेस टीडियस है, यानी बहुत मतलब ईजी है उसको राइट करना, इक्वेशन को लिखना, कैलकुलेशन को करना। और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली इनडिटर्मिनेट फ्रेम्स के लिए और बीम्स के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन 10 है, फिक्स बीम ऑफ लैम्प एल इज शोन इन फिगर गिवन बिलो। ठीक है, ये फिक्स बीम दे दी है ए बी दोनों एंड पे और इट इज प्रॉप्ड एट मिड वे यानी ये पी पॉइंट पे प्रॉप्ड है एंड कैरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ इंटेंसिटी 20 किलोन्यूटन पर मीटर आपको डब्ल्यू दे दिया है एट इट्स हाफ लेंथ। फाइंड द कैरी ओवर मूवमेंट एट इट्स एंड ए। ठीक है, कैरी ओवर मूवमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, ए एंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फिक्स है तो ये हमारे पास आगे क्वेश्चन भी है कि फार एंड फिक्स हो तो क्या होता है और फार एंड हिंज हो तो क्या होता है। ठीक है ना, तो जो फ्लेक्स रोल हम क्या करते हैं बेसिकली ए एंड के लिए K1 अपॉन K1 प्लस K2 करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में। यहाँ पे सिंस कि दोनों हाफ हाफ हो रहा है तो K2 इक्वल टू K1 ही होगा और K1 यहाँ पे बेसिकली फार एंड यहाँ पे क्या है फिक्स है तो K1 की वैल्यू क्या हो जाएगी रिलेटिव स्टिफनेस और रिलेटिव स्टिफनेस की वैल्यू 4EI अपॉन L हो जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को रखेंगे तो DF इक्वल टू हमारे पास 0.5 आएगा। ठीक है, देखिए DF हमने यहाँ पे निकाल लिया 0.5। अब फिक्स एंड मोमेंट आपको A पॉइंट पे 0 है ये हमको पता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट क्या होता है बेसिकली जो फिक्स एंड मोमेंट होता है प्लस डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट फिक्स एंड मोमेंट प्लस WL2/96 यानी डिस्टर्बिंग मोमेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे W की वैल्यू आपको 20 दे रखा है, L 10 मीटर का स्पैन है हमने ये निकाल लिया तो हमारे पास ये आ गया। अब जो कैरी ओवर मोमेंट होता है दैट कैरी ओवर मोमेंट जिस भी पॉइंट पे निकाल रहे हैं उस पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट। ठीक, तो 0.5 डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आया था हमारे पास, उसको मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आंसर आ गया। देखिए इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे, फिक्स एंड मोमेंट निकालेंगे, फिक्स एंड मोमेंट 0 है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट निकालेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट जो भी आ रहा है वो फिक्स एंड मोमेंट प्लस WL2/96 होगा। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है हमारे पास। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द इक्वेशन ऑफ रोटेशनल स्टिफनेस फॉर मेंबर ऑफ लेंथ L एंड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ EI एट जॉइंट इफ फार एंड इज फिक्स एंड फार एंड इज हिंज। हिंज या पिन एक ही बात है, मैं ये चीज आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था। अगर फार एंड फिक्स है तो ये स्टिफनेस 4EI/L होगा और अगर फार एंड हिंज है तो ये 3EI/L होगा। ठीक है, तो फार एंड फिक्स है तो K = 4EI/L, फार एंड हिंज है तो इट इज 3EI/L। ठीक है, ये हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसका लास्ट क्वेश्चन में यूज हुआ था, इसका आगे भी यूज होगा। क्वेश्चन 12, डिफाइन इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ILD। ठीक है, ये हमको डिफाइन करना है, 1-2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है। फॉर एनी पैरामीटर रिएक्शन शेयर फोर्स बेंडिंग। ठीक है, इट इज अ डायग्राम शोइंग द वेरिएशन इन द पैरामीटर एट दैट सेक्शन एज अ यूनिट लोड रोल्स ओवर द स्पैन। ठीक, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के अंदर हम यूनिट लोड को मूव करते हैं और जो पैरामीटर है उस पैरामीटर में जो भी वेरिएशन हो रहा है उस वेरिएशन को नोट करके हम फाइनली कैलकुलेशन करते हैं रिएक्शन की, शीयर फोर्स की, बेंडिंग मोमेंट की। ठीक है, और भी अगर किसी पैरामीटर के रेस्पेक्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी कैलकुलेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिएक्शन एट ए बाय ड्रॉइंग ILD फॉर द गिवन B। ठीक है ना, यहाँ पे हमको आईएलडी ड्रॉ करना, तो आईएलडी तो हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ये 8 मीटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी 8 टन है, यहाँ पे 12 टन। तो यहाँ से ए पॉइंट के लिए हमको रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। बी से लेके ये डिस्टेंस कितनी होगी, 5 होगी। टोटल डिस्टेंस 7 है, 2 3 5 और 7। तो ये वाला जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है इसकी वैल्यू 5/7 हो जाएगी, और इस वाले की सिंस यहाँ बी से 2 है 12 टन की, तो इसकी 2/7 हो जाएगी। ठीक है, दिस वन 2/7 हो जाएगी। बस इसके लोड से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिएक्शन आ जाएगी। देखिए इसका आईएलडी हमने जो ड्रॉ किया, हाँ ये इसका आईएलडी होगा, करेक्ट आईएलडी इसका इस तरीके से बनेगा, राइट लाइक दिस। सो यहाँ पे 5/7 आ गया जैसे मैंने यहाँ पे निकाला, ये 2/7 आ गया। अब 5/7 बाई मल्टीप्लाई बाई 8 टन कर देंगे, 2/7 मल्टीप्लाई बाई 12 टन कर देंगे। तो 5/7 मल्टीप्लाई 8 टन और 2/7 मल्टीप्लाई 12, तो 9.14 टन एक पे रिएक्शन आ जाएगी। ठीक, तो ये बहुत स्मॉल लेवल क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपके पास। तो आपको न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा इन क्वेश्चन को अचीव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 2 मार्क्स कैटेगरी क्वेश्चन में, डिफाइन 2 डायमेंशनल ट्रस। ठीक है, डेफिनेशन पूछे जस्ट। ट्रस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के हिसाब से, इसलिए हम जो चीज़ उसमें बन सकती है बस उन्हीं चीज़ की बात करेंगे। ठीक है, ट्रस इज ए ट्राइंगुलेटेड सिस्टम having straight interconnected structural elements. ठीक है, when all the members and applied forces are in same plane, the system is called plane or 2D truss. यानी जितने भी तरह के members है और जितने भी तरह के forces है truss के अंदर, वो एक ही plane के अंदर है, यानी XY plane या YZ plane या XZ plane. ठीक है, XY या YZ या XZ, तो it is called basically 2 dimensional or plane. तो यहाँ पे अभी हमने जो 14 क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किए, 2 मार्क्स में डिस्कस किए। डेफिनेटली एग्जाम में आपको 2 मार्क्स में से इसमें से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है 5 मार्क्स क्वेश्चन की, अब उसकी तरफ हम मूव करते हैं। देखिए 5 मार्क्स क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। ए लोड ऑफ 450 किलो न्यूटन अप्लाइड एट ए पॉइंट एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। ठीक है ना, फिगर देख लेते हैं। ये फिगर है हमारे पास, विच प्रोड्यूसेस ए वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट बी एंड सी। बी पे जो डिफ्लेक्शन है बेसिकली वो कितना है, 9 mm है, और सी पे जो डिफ्लेक्शन है वो हमको 16 mm दिया हुआ है। ठीक है, 9 mm हो गया, 16 mm हो गया। व्हाट वुड बी द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए। ठीक है, और जो ए पे लोड है बेसिकली WA, वो कितना दे रखा है, 450 किलो न्यूटन दे रखा है, ये 450 हो गया। एंड व्हाट वुड बी द डिफ्लेक्शन, ए पे हमको डिफ्लेक्शन निकालना है। ए व्हेन लोड्स ऑफ 100 किलोन्यूटन 300 किलोन्यूटन आर अप्लाइड एट बी एंड सी। तो यानी बी के ऊपर जो लोड हो गया 100 का हो गया, और सी के ऊपर जो लोड हो गया बेसिकली 300 किलोन्यूटन। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि ए के ऊपर डिफ्लेक्शन क्या होगा निकालना है। अब यहाँ पे हमको दे रखा है, ये बी से ए की जो लेंथ है 3L/4 दे रखा है या L/4, और जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है यानी EI वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैक्सवेल बैटी थ्योरम यूज करेंगे, सबसे आसान है उस अप्रोच को यूज करना। तो देखिए H पर मैक्सवेल बैटी थ्योरम, वर्चुअल वर्क डन बाय फर्स्ट लोडिंग ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट कॉज बाय सेकेंड लोडिंग इज इक्वल टू वर्चुअल वर्क डन बाय सेकेंड लोडिंग ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट कॉज बाय फर्स्ट लोडिंग। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, WB × del B प्लस WC × del C इक्वल टू WA × del। और हमको यहाँ पे क्या क्या सारी चीज़ें दे रखी है, सिर्फ डेल ए अननोन है, तो डेल ए हमने निकाल लिया 12.67 mm। आसान क्वेश्चन है, बट अप्रोच हमको मैक्सवेल बैटी थ्योरम से करेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़कर आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये किस थ्योरम से क्वेश्चन को हमको डील करना है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है कि हमको किस तरह से एग्जाम में डील करना है इन क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं अभी हम। क्वेश्चन 2 है, फॉर द फॉलोइंग गिवन फ्रेम फाइंड द रेशियो ऑफ θB/θC। ये रोटेशन है बी और सी के ऊपर। अज्यूम यूनिफॉर्म फ्लेक्सुरल रिजिडिटी यानी EI कांस्टेंट है ऑफ EI इन ऑल मेंबर्स ऑफ फ्रेम। देखिए ये फ्रेम हमको दिया हुआ है, यहाँ पे मोमेंट 1.2 एम दिया हुआ है, ये 8 मीटर डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 8 मीटर है, यानी BC और AB की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। तो हमको यहाँ पे θB यानी इस पॉइंट के ऊपर रोटेशन और θC के ऊपर रोटेशन का रेशियो निकालना है। देखिए रोटेशनल स्टिफनेस एट जॉइंट बी पे रोटेशनल स्टिफनेस है, उनका हम समेशन करते हैं, समेशन K इक्वल टू क्या होगा, 3EI/L प्लस 3EI/L। ठीक है, क्योंकि फार एंड और हमने पहले पढ़ा है 2 मार्क्स क्वेश्चन में, ठीक है, दोनों केसेस में फार एंड फिक्स है, फार एंड हिंज है। तो यहाँ पे 6EI/L हो गया। 6EI/L एक्चुअली किसके बराबर होगा? 1.2 m, यहाँ पे जितना मोमेंट है दैट मोमेंट डिवाइडेड बाय रोटेशन एट बी पॉइंट। तो यहाँ से हमारे पास थीटा बी की वैल्यू आ जाएगी, ये आ गई हमारे पास थीटा बी, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। देन नेक्स्ट MCB निकालते हैं, मोमेंट MCB इक्वल टू होता है, सिंस कि हम यहाँ पे C पे पूछ रहे हैं तो ट्वाइस ऑफ फर्स्ट रोटेशन होगा फर्स्ट जॉइंट का, तो ट्वाइस ऑफ थीटा C प्लस थीटा B। डिफ्लेक्शन कुछ होगा नहीं यहाँ पे, तो दैट इक्वल टू 0। 2EI/L की वैल्यू 8 दे रखा है, 2 थीटा C और थीटा B हमारे पास यहाँ पे आ गया, तो ये वैल्यू निकाल ली हमने, तो हमारे पास थीटा C की वैल्यू ये आ गई, तो ये हमारे पास थीटा C आ गया। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है बेसिकली? थीटा B/थीटा C, तो डिवाइड कर दिया, आंसर विल बी -2.0, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इन द ट्रस शोन फिगर बिलो फाइंड द फोर्सेस इन द मेंबर AB एंड BC। देखिए यहाँ हमको AB और BC में हमको फोर्सेस निकालना है। देखिए यहाँ पे 22 किलो न्यूटन का जो आ रहा है ये वर्टिकल लोड है, यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है और इस 22 किलो न्यूटन के अलावा कोई वर्टिकल लोड भी नहीं है। तो 22 किलो न्यूटन का जो लोड आ रहा है वो इस लाइन से पूरा बैलेंस हो जाएगा AC, और यहाँ B के ऊपर कोई रिएक्शन भी नहीं होगी वर्टिकल, क्योंकि 22 किलो न्यूटन पूरा यहाँ से बैलेंस हो रहा है। जब यहाँ पे कोई वर्टिकल रिएक्शन नहीं होगी तो बेसिकली क्या होगा, इसका कंपोनेंट BC के रेस्पेक्ट में और BA के रेस्पेक्ट में 0 होगा, तो यानी फोर्स AB और BC दोनों में 0 होगा। देख लेते हैं, एट जॉइंट C द एक्सटर्नल लोड ऑफ 22 किलो न्यूटन एंड मेंबर AC आर इन सेम लाइन, हैंस FBC इक्वल टू 0, यानी ये FBC है यहाँ पे, ये 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि सारा ये बैलेंस कर दिया इसने, ये 0 हो गया यहाँ पे। सिंस देयर इज नो वर्टिकल रिएक्शन एट जॉइंट B, हैंस एट B द अदर टू फोर्सेस विच आर नॉट इन द सेम लाइन मस्ट बी 0, यानी FAB भी 0 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों 0 0 हो जाएंगे, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 5 मार्क्स में। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। देखिए ये पूरा थ्योरी क्वेश्चन आ गया, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस है स्टैटिकली। तो यहाँ पे हमको जो हमारी वर्ड लिमिट है 50 से 70, उसके अंदर हमको लिख, देखिए वर्ड लिमिट तो 50 ही है जो आपको एग्जाम में दी हुई है, बट बहुत सारी तरह की चीज़ें ऐसी होती है जो उस इफेक्टिव वर्ड में काउंट नहीं होती है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ 50 से 80 वर्ड के बीच में आपको लिख के आना है। देखिए अगर इस क्वेश्चन को हम टेबुलर फॉर्म के अंदर डिफरेंसेस को शो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे शो किया है। डिफरेंसेस बिटवीन स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, देखिए यहाँ पे एक टेबल बनाइए, सीरियल नंबर 1 2 3, जितने भी आपको डिफरेंसेस पता है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। डिटर्मिनेट में है इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर सफिशिएंट टू एनालाइज, यानी इक्विलिब्रियम इक्वेशन से काम चल जाता है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन से काम नहीं चलता, वो इनसफिशिएंट है, हमको एडिशनल इक्वेशन जो कॉम्पेटेबिलिटी की है वो रिक्वायर्ड होती है। इसके ऊपर हमने अभी जब 20 नंबर के क्वेश्चन मूव करेंगे तो हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, है ना, उस स्लोप डिफ्लेक्शन का, वहाँ पे आप देखेंगे कि हमने कॉम्पेटेबिलिटी की इक्वेशंस भी यूज़ की है और इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी यूज़ की है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो इनडिटर्मिनेट है, ठीक है। एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा, बेंडिंग मूवमेंट एट अ सेक्शन ऑफ फोर्स इन एनी मेंबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटीरियल और सेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चर, यानी बेंडिंग मूवमेंट डिपेंड नहीं कर रहा है, जबकि यहाँ करता है। बेंडिंग मोड एट अ सेक्शन ऑफ फोर्स इन एनी मेंबर इज डिपेंडेंट, ठीक है, ऑफ मटेरियल और सेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चर। थर्ड है, यहाँ पे स्ट्रेसेस जो होते हैं बेसिकली टेम्परेचर चेंज की वजह से नहीं होते, स्ट्रेसेस आर नॉट कॉज ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, बट यहाँ पे टेम्परेचर चेंज से स्ट्रेसेस रिस्पॉन्सिबल या अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंसेस मेरे हिसाब से अप्रोप्रिएट है और ऑप्टिमम है। आपको लगता है कि कुछ और आना चाहिए, रिप्लेस कर सकते हैं किसी एक को, तो आप कर सकते हैं ना, कोई इशू नहीं है। और अगर जितने इफेक्टिव लिखेंगे आपको 5 में से उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। देखिए 5 नंबर 2 नंबर को अप्रोच करने का यही तरीका है कि आप बेस्ट जो आंसर है ना, ऑप्टिमम वे में वो आंसर लिखिए। एग्जामिनर भी, कोई जो कॉपी चेकर होता है वो भी बहुत कुछ पढ़ने के मूड में नहीं होता, सो उसको वही चाहिए जो उसके दिमाग में जो एक्चुअली होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 डिस्क्राइब कानीज मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि कानी मेथड को हमको न्यूमेरिकल, हम कानी मेथड पे हम सॉल्व नहीं करेंगे, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है आरपीएससी के हिसाब से। लेकिन कानी मेथड थ्योरी में तो पूछा जा सकता है कि क्या होता है, तो वही यहाँ पे पूछा गया है। देखिए, दिस मेथड इज डिराइव्ड बाय गैस्पर कानी एंड इट इज आल्सो कॉल्ड रोटेशन कॉन्ट्रीब्यूशन मेथड। ओके, इट इज एन अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन मेथड फॉर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, especially portal frames and multi-story frames with fixed connection, यानी जिनके ends जो है fixed end है। This method is much similar and less time consuming as compared to moment distribution method of structural analysis। मतलब ये जो moment distribution method है, जो सबसे popular method है, उससे भी ज़्यादा simpler है और less time consuming है, ठीक है। But since कि क्या है कि ये method हर तरह की structure के लिए use नहीं होता है, इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के कंपैरिजन में। ओके, सो ये हमको यहाँ पे थ्योरी लिखनी है 5 नंबर के क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 42 किलोन्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ 3 मीटर इज रोलिंग ओवर ए स्पैन ऑफ 15 मीटर। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट? ठीक है, देखिए ये मतलब ये बोल रहा है कि जो 15 मीटर का एक स्पैन है, वो 15 मीटर का स्पैन में 42 किलो न्यूटन पर मीटर का एक जो 3 मीटर की वो है डिस्टेंस पे, ये यूडीएल मूव कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड शैल बी प्लेस सिमेट्रिकली विद रेस्पेक्टिव टू सेंटर एज शोन बिलो। यानी सेंटर पे करेंगे तो 3 यहाँ आ गया, ये 15 है टोटल हमारे पास, तो अब कितना बचा 12, तो 6 मीटर इधर होगा, 6 मीटर इधर होगा, राइट। डायग्राम देखते हैं इसका। देखिए 42 किलोमीटर पर मीटर, 3 मीटर यहाँ आ गया, 6 मीटर इधर, 6 मीटर इधर, क्योंकि अगर हमको एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो जो लोड है उसको कहाँ पे हमको प्लेस करना पड़ेगा, सिमेट्रिकली लेफ्ट साइड और राइट साइड के रेस्पेक्ट में, अकॉर्डिंग दी ILD शैल बी। अब ILD इसका ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम सेंटर की बात करते हैं। 15 मीटर तो सेंटर पे डिस्टेंस कितनी होगी, 7.5, तो ये जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है सेंटर पे वो कितना हो गया, 7.5 इंटू 7.5/15 दैट इज इक्वल टू 3.75 मीटर। अब ये वाला अब सिमिलर ट्राइंगल हो गया, ये वाला एक ट्राइंगल हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्राइंगल हो गया, तो सिमिलर ट्राइंगल के बेसिस पे इसको और इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो 6/x जो हमको फाइंड आउट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 7.5 है, तो 7.5 ये वाली वैल्यू कितनी है, 3.75, ये हमारे पास आ गया, तो x इक्वल टू आ गया 6 इंटू 3.75/7.5 यानी 3 मीटर। सिमिलर वे में यहाँ रहेगा, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। हमको फाइंड क्या करना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ओके, सो द एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल जितनी भी है मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ILD अंडर यूडीएल, तो ये एरिया हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी हम इसको ट्वाइस कर दें, एक एरिया तो आपके पास ये हो गया, ठीक है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 42 तो हमारे पास इंटेंसिटी आ गई, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाफ इंटू ये वाला इंटरसेप्ट, ये एक तरह के ट्रिपल हो गया, तो हाफ इंटू दिस वन, दिस कितना है 3 + 3.75, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी, ये भी 1.5 हो जाएगी। यहाँ से हम निकालेंगे 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ILD के इन्फ्लुएंस में पूरा एरिया है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन, देखिए मैक्सिमम एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट के ऊपर लास्ट सेशन में भी क्वेश्चन आया है RPSC में और आगे भी आ सकता है, तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन RPSC में कई बार आया है, ठीक है ना, और भी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट मुलर-ब्रेस्लो प्रिंसिपल ऑफ ILD फॉर एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, स्टैंडर्ड आंसर है इसका बिल्कुल। क्या प्रिंसिपल है, इफ एनी कंस्ट्रेंट इज रिमूव फ्रॉम ए स्ट्रक्चरल सिस्टम एंड द रिलीज्ड इफेक्ट इज अलाउड टू एक्ट ऑन द सिस्टम देयर बाय डिफ्लेक्टिंग द स्ट्रक्चर बाय ए स्मॉल अमाउंट, the resulting profile will be to some scale the ILD for the release constraint। ठीक है, हम यही करते हैं। The release constraints may be axial force, shear force and bending moment। जैसे कि हमने जब इन्फ्लुएंस लाइन की डेफिनेशन डिस्कस की थी तो हमने ये बोला था किसी भी पैरामीटर के लिए हम इस चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं। कौन से पैरामीटर? एक्सियल फोर्स, शीयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट। तो उसके ऊपर जो कंस्ट्रेंट है उसको आप रिमूव करके उससे रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है ना। स्मॉल अमाउंट जो भी आपका है आईएलडी का, उससे रिप्लेस कर दीजिए। दैट इज कॉल्ड बेसिक, दिस इज वन पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मुलर-ब्रेस्लो फॉर आईएलडी। सेकेंड पॉइंट क्या है? दिस प्रिंसिपल मे बी अप्लाइड टू एनी टाइप ऑफ लीनियर स्ट्रक्चर, बीम, फ्रेम, कुछ भी, विच कैन बी डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। तो वास्टली इस प्रिंसिपल को हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट दोनों ही तरह के स्ट्रक्चर्स के लिए यूजेबल। ओके, सो दीज आर दी प्रिंसिपल ऑफ मुलर-ब्रेस्लो फॉर आईएलडी, ठीक है। सो ये चीज आपको करके जानी है एग्जाम में। एग्जाम में लास्ट सेशंस में भी आई हुई है आरपीएससी के अंदर कि मुलर-ब्रेस्लो प्रिंसिपल क्या है डिफाइन की। देखिए यहाँ पे मैंने जो लैंग्वेज लिखी है, हो सकता है कि वो लैंग्वेज आपको कम समझ में आ रही हो, लेकिन आपको एग्जाम में बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखनी है, या जो लैंग्वेज मैं बता रहा हूँ वो नहीं लिखनी है थ्योरी क्वेश्चन में। बस यहाँ से अंडरस्टैंड करना है और रिप्रेजेंट अपने वर्ड में करना है, ठीक है ना। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखना है कि बिल्कुल बुक की लाइन टू लाइन लिखना है। हम यहाँ आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, ठीक है। आपको समझने के बाद अपने वर्ड्स में वहाँ पर रिप्रेजेंट करनी है चीज़ें, ठीक। तो इसलिए मेरी लैंग्वेज और आपकी लैंग्वेज में डिफरेंस हो सकता है। ओके, सो ये 7 क्वेश्चन अभी हमने 5 नंबर के कैटेगरी में डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट कैटेगरी जो है, जो 20 नंबर की सबसे ज़्यादा वेटेज की कैटेगरी है, उसके अंदर हम स्विच करते हैं। 20 मार्क्स कैटेगरी में फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कैंटिलेवर बीम AC ऑफ 5 मीटर इज लोडेड विद ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन पर मीटर टिल पॉइंट B at a 2 meter distance from the fixed end A, ठीक है। मतलब एक एंड इन्होंने कहा है कि फिक्स है, उससे एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर यूनिफॉर्मली, ये A पॉइंट है, ये UDL जा रहा है, ठीक है ना, और ये पूरी जो बीम है यहाँ तक C बीम है, ठीक, कैंटिलीवर बीम है। ये 220 इसकी इंटेंसिटी दी हुई है, ठीक। डिटरमाइन द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड, यानी C के ऊपर हमको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना है। टेक E आपको दिया और I दिया हुआ है, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 20 किलो न्यूटन पर मीटर, उसको हमने 10³ से ऊपर नीचे हम -3 से मल्टीप्लाई करके हमने इस टर्म में लिख दिया, क्योंकि जितने भी यहाँ पे टर्म चलेगी या यूनिट चलेंगी वो mm की चलेगी। डिस्टेंस ए भी आपको कितना दिया हुआ है? 2 मीटर दिया हुआ है, 2000 mm हो गया। टोटल 5 मीटर की बीम दे रखी है, तो ये कितना बचेगा आपका? 3 मीटर, यानी 3000 mm क्या बचेगा? BC बचेगा। तो AC कितना हो जाएगा? 5000 mm हो जाएगा। MOI आपको दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2.0004 × 0.95 m⁴ mm⁴ में कन्वर्ट कर लिया इसको। E आपको दे रखा है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, उसको भी न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, यानी सारी यूनिट्स को हमने न्यूटन और mm में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब इस केस के लिए आपको फॉर्मूले यूज करेंगे हम डायरेक्टली। तो फॉर्मूला क्या बोलता है कि स्लोप क्या होता है फ्री एंड के ऊपर कैंटिलीवर के? WAQ/6EI, ठीक है। और यहाँ पे A जो है आपने लिखा है 2000 mm में, इसको हमने A मान लिया AB की डिस्टेंस को, और जो B है बेसिकली वो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को माना है, ठीक है। ये फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रखी हमने, W हमारे पास 20 है, A की वैल्यू रखी, 6EI करा, ये हमारे पास स्लोप आ गया 0.0013 रेडियंस। डिफ्लेक्शन डेल्टा C है फ्री एंड के ऊपर, तो डिफ्लेक्शन क्या होता है उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए एग्जाम में, हम इसको ड्राइव करने नहीं बैठेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक फॉर्मूला ये हो गया और एक फॉर्मूला ये हो गया। यहाँ पे A हमको पता है, हमारे पास A कितना है यहाँ पे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस यानी 2 मीटर है। भाई ये इस तरीके से है ना, ये एक एंड फिक्स हो गया, ये आपके एक एंड हो गया, और ये एक फ्री एंड हो गया, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का UDL है। और इस एंड को ये बोल रहा है बेसिकली B, इसको बोल रहा है A, इसको C बोल रहा है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को जो फॉर्मूले में हम यूज़ कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर, वो A बोल रहे हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक हम जो यूज़ कर रहे हैं उसको B बोल रहे हैं, ठीक है। तो A यानी 2000 हो गया, B यानी 5000 हो गया, सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर रख दिया। E और I की वैल्यू हमारे पास पहले से दी हुई है। W हमको पता है 20 किलो न्यूटन पर मीटर है, तो हमारे पास डिफ्लेक्शन आ गया C पॉइंट पे 7.619 mm। तो ये क्वेश्चन पूरा फॉर्मूला बेस्ड हो गया, इसमें कुछ और कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले को यूज करना है प्रॉपर वे में। तो फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है, इसलिए ये ध्यान होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 2, एनालाइज द कंटिन्यूस बीम शोन बिलो, ये कंटिन्यूस बीम है इन फिगर बाय यूजिंग स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, राइट। स्लोप डिफ्लेक्शन के ऊपर ये न्यूमेरिकल आया है। अज्यूम सपोर्ट बी सेटल्स डाउन बाय 5 mm, ई दिया हुआ है आपको, आई दिया हुआ है, ई 2.1 × 10⁵ यूनिट नहीं दिए तो हमको अज्यूम करना है न्यूटन पर mm स्क्वायर में, ठीक है। 3 मीटर डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर 4 मीटर है, ये 4 मीटर है, 2i, 2.5i, 2.5। यहाँ पे हमको स्लोप डिफ्लेक्शन की सारी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन, कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन सारी आएंगी, ठीक है। देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए ये हमको बीम दी हुई है, ये 5 mm का इन्होंने बोला हुआ है कि सेटल डाउन होता है बी 5 mm, ठीक है ना, उसी के हिसाब से इक्वेशन बनेंगी लाइक दिस। तो ये हमने एक जो सरफेस दिखाई है ये इस तरह से कर्व, ये बेसिकली क्या है, इसका सेटलमेंट को शो कर रहा है। देखिए यूजिंग स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, ए बी की बात कर रहे हैं हम पहले, इस पार्ट की यानी, ठीक है ना, इस पार्ट की हम बात कर रहे हैं। फॉर ए बी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिख रहे हैं एम ए बी, क्या होता है बेसिकली 2EI/L होता है, यही हम करते हैं 2EI/L, ठीक है। और यहाँ पे रोटेशन ए एंड पे कितना होगा, ट्वाइस ऑफ थीटा ए होगा, और बी एंड पे कितना होगा, थीटा बी होगा। तो 2EI की जगह यहाँ पे 2i दे रखा है, और थीटा की जगह यहाँ पे बेसिकली हम क्या लिखेंगे, 2θA/L कितना है 3, प्लस सेम चीज यहाँ पे थीटा बी लिख देंगे 3L है, माइनस जो डिफ्लेक्शन है क्योंकि नीचे की तरफ सेटल हो रहा है माइनस होगा, सी एंड के बियॉन्ड लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। जब हम इस इक्वेशन को BC के लिए लिखेंगे तो ये डिफ्लेक्शन को हम प्लस की तरह से शो करेंगे। 6EI, ठीक है, डिफ्लेक्शन के 6EI/L², ये होता है ना 6EI/L² मल्टीप्लाई बाई डेल्टा, ठीक है। तो 6EI मतलब यहाँ पे 2i है, डेल्टा 0.005 है, mm में है, और L² यानी 3² यानी 9 आ गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने यहाँ पे MAB की इक्वेशन बना ली। थीटा ए हमको पता है 0 क्योंकि फिक्स एंड है, तो ये इक्वेशन हमारे पास फाइनल आ गई MAB की। अगर हमको थीटा भी पता लग जाएगा तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि MAB कितना है, क्योंकि क्वेश्चन में यही हमसे पूछा है कि MAB और MBA कितना है, ठीक है। फिर फॉर BA के लिए हम इस इक्वेशन निकालते हैं। अब जो थीटा बी होगा 2 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि हम बी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ट्वाइस ऑफ थीटा बी हो जाएगा, ये थीटा ए हो जाएगा, बाकी सारी चीजें वही रहेगी, थीटा ए अगेन 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन हमारे पास दोबारा बन गई, ठीक है। अब इसी चीज को लिए हम BC में लगाएंगे तो BC में जो I वाला पोर्शन है वो 2.5i हो जाएगा, सिंस कि BC लगा रहे तो यहाँ पे थीटा B ट्वाइस हो जाएगा और थीटा C सिंगल रहेगा, और यहाँ पे डिस्टेंस है वो 4 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे L4 हो जाएगा। यहाँ पे जब डिफ्लेक्शन लगाएंगे तो मैंने बोला था कि डिफ्लेक्शन प्लस होगा, तो प्लस हमने यहाँ पे साइन लगा दिया, और L² होगा नीचे, तो L यहाँ पे 4 मीटर रहते हैं 16 हो जाएगा, बाकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, तो ये इक्वेशन आ गई। अब हम इसको इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हैं। इक्विलिब्रियम इक्वेशन में क्या होगा, बी पॉइंट के ऊपर जितने भी मोमेंट है उनका समेशन 0 होगा, तो समेशन MB = MBA + MBC = 0। MBC हमारे पास ये है, MBA ये है, तो दोनों चीजें हमने रख दी, हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड बहुत आसान है, आपको आइडिया है किस तरीके से अप्रोच करना है, तो हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 बना दी है। अब हम यूज करेंगे कंपैटिबिलिटी इक्वेशन यानी कंपैटिबिलिटी कॉन्सेप्ट। CB के लिए वही सेम तरीका है, 2EI/L, यहाँ पे I जो है 2.5 है, CB की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे थीटा C ट्वाइस हो जाएगा, L वहाँ पे 4 मीटर था CB के लिए भी, यहाँ पे थीटा B होगा, सिंगल होगा क्योंकि फार एंड है, और प्लस 4.67875, ये क्या बेसिकली डिफ्लेक्शन है जो हमने लास्ट उसमें निकाला है, ठीक है। वही L² करके 6EI/Δ/L² करके, ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई। CD के लिए जब इक्वेशन निकालेंगे तो CD में क्या है कि जो फार एंड है वो फिक्स है, तो जो है D पॉइंट पे जो डिफ्लेक्ट जॉइंट रोटेशन है वो 0 हो जाएगा, डिफ्लेक्शन वहाँ पे है ही नहीं, तो हमारे पास सिंपली ये बनेगा 2EI जो भी थीटा है / L, ठीक है। अब यहाँ पे सेंस की जब नियर एंड की बात कर रहे हैं तो नियर एंड में थीटा को ट्वाइस लेते हैं, तो ट्वाइस थीटा सी कर दिया हमने, I ये है, L ये हमने इक्वेशन बना दी। DC की बनाएंगे तो यहाँ पे ट्वाइस जो होगा, जो थीटा सी होगा वो सिंगल हो जाएगा क्योंकि फार एंड जो है हमारे पास चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो फार डीसी की बनाएंगे तो हमारे पास ट्वाइस ऑफ थीटा डी होगा ना यहाँ पे, तो थीटा डी तो जीरो हो गया और फार एंड क्या है हमारे पास थीटा सी हो जाएगा। जब डीसी की बात करेंगे तो फार एंड सी हो जाएगा, ठीक है, और सी डी की बात करेंगे तो फार एंड डी हो जाएगा। तो इक्वेशन बना ली हमने, ये हमारे पास आ गया। सी पॉइंट पे अगेन हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाई एम सी इक्वल टू जीरो, तो एम सी बी और एम सी डी दोनों का समेशन जीरो हो जाएगा। एम सी बी हमने यहाँ निकाल लिया, एम सी डी हमने यहाँ निकाल लिया, दोनों वैल्यूज रखी हमारे पास। ये हमारे पास इक्वेशन दो है। इक्वेशन वन और टू दोनों के अंदर जो अननोन है वो थीटा बी और थीटा सी है। तो इक्वेशन वन और टू से हमने सॉल्व किया तो हमारे पास थीटा बी की वैल्यू आ गई, थीटा सी की वैल्यू आ गई। बस अब आप एम ए बी एम बी ए फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे थीटा ए थीटा बी की वैल्यू, थीटा बी और थीटा सी की वैल्यू रख दी। ई और आई की वैल्यू आपको पहले ही दी हुई है, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये मोमेंट्स हमारे पास फाइनल आंसर के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच करना है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में। तो हमने यहाँ पे पूरा जो हमको दी हुई है कंटिन्यूस बीम के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, हमने पूरे बीम को एनालिसिस करते हुए सारी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिख दी, उनकी फाइनल वैल्यूज यानी आउटकम निकाल लिए, सारे रोटेशंस निकाल लिए। ये कंप्लीट एनालिसिस ऑफ बीम हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट डाउन द स्टेप्स टू एनालाइज प्रिज्मेटिक बीम्स बाय मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। देखिए न्यूमेरिकल नहीं है। अब अगर न्यूमेरिकल होता ना तो ये आपके लिए आसान हो जाता, क्योंकि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पे न्यूमेरिकल की आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं। लेकिन ये अब थ्योरी क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको ये लिखना है कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को आप जब न्यूमेरिकल की फॉर्म में सॉल्व करते हैं तो क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं, मतलब आपको राइटिंग में लिखना है, ठीक है ना, आपको लिखना है वर्ड्स के अंदर। तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो कैसे लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कौन कौन से 7 8 9 स्टेप्स होते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए स्टेप 1, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट रोटेशनल स्टिफनेस। क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए। ऑफ ईच मेंबर एट अ जॉइंट डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन ऑफ फार एंड। अगर फार एंड फिक्स है तो 4EI/L और फार एंड हिंज है तो 3EI/L। इसके बाद हमको क्या करना है, जैसा मैंने पहले बोला, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को हम ईच मेंबर के लिए फाइंड आउट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन पहले भी कर चुके थे, इसमें कैरी ओवर मोमेंट निकालना था। स्टेप 3 है अज्यूम ऑल दी जॉइंट्स टू बी फुली रिस्ट्रेन्ड, इट मींस स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड काइनेमेटिकली डिटरमिनेट, ठीक है। ये हम अप्रोच होती है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को सॉल्व करने के लिए। 4th स्टेप है कैलकुलेट फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, क्योंकि कैरी ओवर मोमेंट जब हम निकालेंगे तो हमको क्या पता होना चाहिए, फिक्स्ड एंड मोमेंट पता होना चाहिए, क्योंकि उससे डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट निकलेगा और उसके बाद उसको जब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कैरी ओवर मोमेंट आएगा। सो कैलकुलेट फिक्स्ड एंड मोमेंट फॉर ईच मेंबर फॉर द गिवन लोडिंग कंडीशन। स्टेप 5 है हमारे पास, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5। आप क्लब भी कर सकते हो दो स्टेप को। मोमेंट्स आर रिलीज एट द हिंज और सिंपली सपोर्टेड एंड दीज मोमेंट्स आर रेफर्ड एज रिलीज मोमेंट्स। द आरएम आर कैरिड ओवर टू द फार एंड ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेंबर डिपेंडिंग अपॉन द कैरी ओवर फैक्टर। दीज मोमेंट्स आर नॉन एज कैरी ओवर मोमेंट, जैसा मैंने अभी आपको बोला। द नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 6, अनबैलेंस मोमेंट एट ईच जॉइंट are computed from the total moments. These unbalanced moments are distributed among various members meeting at the joint on the basis of distribution factor. The unbalanced moment are called distributed moments. ठीक है, इससे related हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये question में भी देखा था हमने। The DM are carried over to the far ends of corresponding member on the basis of carryover factor. Okay. अब स्टेप 6 और 7 को हम रिपीट करते हैं हर जॉइंट के लिए, ठीक है, और हर मेंबर के लिए। ये जॉइंट अंटिल नो अनबैलेंस मोमेंट एग्जिस्ट एट एनी जॉइंट, क्योंकि पूरी एक टेबल बनेगी इसके अंदर, ठीक है। स्टेप 9 में क्या करते हैं, सबका एल्जेब्रिक सम करते हैं। दी एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट्स फ्रॉम दी ऑल दी साइकिल्स, यानी 6 से 8 के अंदर, फॉर ईच मेंबर मीटिंग एट दी जॉइंट इज कैलकुलेटेड। वो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। दीज मोमेंट्स आर कॉल्ड एज फाइनल एंड मोमेंट, ठीक है ना। FEM भी बोलता है या FM बोलते हैं, फाइनल एंड मोमेंट्स, ठीक है। नॉर्मली FEM क्या फिक्स एंड मोमेंट के लिए यूज करते हैं, इसलिए फाइनल एंड मोमेंट्स को FM बोल देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे 9 स्टेप के अंदर इस मेथड को डिस्क्राइब किया। अगर आपने इसके न्यूमेरिकल अच्छे से किए हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के तो स्टेप लिखने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम जो स्टेप यहाँ पे लिख रहे हैं वही हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये क्वेश्चन थ्योरी के अंदर आ गया है, न्यूमेरिकल नहीं आया है। और आरपीएससी जैसे एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं 20 नंबर में भी, तो हमको उस हिसाब से भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना। स्टेप्स जरूर ध्यान होने चाहिए आपको, न्यूमेरिकल भी करना है हमको और इस टाइप से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं, ताकि आप एग्जाम के अंदर जो आप अभी तक करते आए हैं वो तो आपने कर लिए है, लेकिन मैं आपको थोड़ी डिफरेंट चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप वो भी प्रिपेयर कर लें, तो कुछ छूट ना जाए एग्जाम पे हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन दी, देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन आया था पहले भी, राइट डाउन दी कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर एसएसबी। 3 कंडीशन है, लोड इज इन फॉर्म ऑफ व्हील लोड, लोड इज इन फॉर्म ऑफ यूडीएल जो कि लॉन्गर है बीम स्पैन से, और लोड इज इन फॉर्म ऑफ यूडीएल जो कि शॉर्टर है बीम स्पैन से, ठीक है। 3 केसेस है, यूडीएल की फॉर्म में है, एक व्हील लोड की केस फॉर्म में, यूडीएल की फॉर्म में या तो वो लॉन्गर है स्पैन से या शॉर्टर स्पैन से। देखिए पहला, सबसे पहला केस है जब व्हील लोड है, द एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल जनरली अकर एट अ सेक्शन नियर द सेंटर ऑफ स्पैन, यानी सेंटर ऑफ स्पैन के ऊपर ही जो सेक्शन है उसके ऊपर जो बेंडिंग मोमेंट होगा, दैट बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट, ठीक। कैसे निकालते हैं? By inspection, select the wheel load by placing of which the bending moment at mid-span may be maximum. Now, the load system is to be placed in such a way that the resultant of all wheel loads and the load chosen in above step are equidistant from the midpoint of the span. क्योंकि हम क्या जो सेक्शन तलाश रहे हैं यहाँ पे वो सेंटर के आसपास का है, ठीक है। With the loads in the above position, the bending moment under wheel load is the absolutely maximum bending moment for the beam, ठीक है ना। तो wheel load के केस में हम ऐसे कर रहे हैं, अगर लोड जो है यूडीएल की फॉर्म में है और बीम, देखिए ये जो थर्ड केस है इस पर तो हम न्यूमेरिकली कर भी चुके हैं पहले, ठीक है, इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले अगर यूडीएल है वो स्पैन से ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना, यानी स्पैन अगर ये है इसको क्रॉस करके जा रहा है यूडीएल, then absolute maximum bending moment occurs at the center when the whole span is loaded. सेंटर पे मान लेंगे हम इसको, तो सेंटर के ऊपर क्या होता है WL²/8, और अगर ये कम है तो हम क्या करेंगे इसको इक्वी डिस्टेंस की फॉर्म में डिवाइड कर देंगे। यूडीएल शॉर्टर देन स्पान, देन एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर एट द सेंटर ऑफ स्पान एट अ पॉइंट ऑन विच व्हील लोड इज सिमेट्रिकली प्लेस ऑन द स्पान। जैसे हमने किया था ना क्वेश्चन की, ये आपका पूरा स्पैन है यहाँ से लेके यहाँ तक और यूडीएल आपका इतना है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, इसको सेंटर के ऊपर प्लेस कर दिया था और प्लेस इस तरीके से किया था कि इससे यहाँ तक की डिस्टेंस जो x है वो डिस्टेंस यहाँ तक की डिस्टेंस x के बराबर हो। ध्यान है आपको 15 मीटर थी तो ये 7.5 मीटर हो गया था, ILD का हमने क्वेश्चन किया था। तो उस केस में हम करेंगे जबकि यूडीएल छोटा है और यूडीएल बड़ा है स्पैन से, तो WL²/8 मान लेंगे हम सेंटर के ऊपर, नथिंग एल्स। छोटा है तो हम उसको इक्वी डिस्टेंस दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे सेंटर से, और व्हील लोड है तो उसका फर्स्ट केस हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने अभी करीब 25 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस किए इस वीडियो में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में से। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में मिल सकते हैं या आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही बोलूँगा मैं इनको, क्योंकि जिस तरह के एग्जाम का पैटर्न आज तक आया है उससे एनालिसिस करके ये क्वेश्चन को ड्राइव किया गया है, ठीक है। सो आप लोग इसको करिए, इसकी PDF जैसा कि सारे वीडियोस में करते हैं हम लोग, इसकी PDF आपको इस वीडियो के साथ मिल जाएगी, जो जब आप रिपीट करेंगे अपना पढ़ाई को एग्ज़ाम से जस्ट पहले, तो उस PDF को आप करके जाइएगा, ठीक। कल हम एपिसोड 19 से 18 एपिसोड आज हो गए हमारे, कल हम एपिसोड 19 से एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक यू।